क्या हाल है सबका? ठीक ठाक मजे में है जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड करीम। बड़ा आसान तरीका इसका बनाने का, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करीम नहीं मिल रही, बाज़ार से कोई जाने वाला नहीं है, तो आप घर पे करीम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है दूध और उसको मैंने अच्छे से बॉयल किया है, ठीक है। फिर उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल करके उसको फ्रिज में रखा है, और जब उसके ऊपर अच्छी सी बलाई इकट्ठी होगी उसकी बलाई मैंने ले ली है, और इस तरह करके मैंने 2-3 दिन की बलाई इकट्ठी करके उसको ली है, ठीक है, इकट्ठा कर ली है बलाई को जी। क्रीम बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जी सारी बात ये होती है कि उसमें से बनने के बाद ये कहते हैं कि स्मेल आ रही है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। और उसके लिए ये है कि आप बलाई लें और उसको रखें फ्रीज़र में, फ्रिज में ना रखें और ना ही बाहर रखें, उससे उसका स्मेल, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है जनाब। इसलिए वो सारी बलाई मैंने डाल दी थी ब्लेंडर में, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है करीम, उसी जो बलाई मैंने ली थी, देखे अच्छे से उसको ब्लेंड किया है 5-6 मिनट जनाब, थोड़ा थोड़ा एक दफा दबा के, और इस तरह करके मैंने किया है। ये जी करीम तैयार हो गई है, और ये 2 मिनट का प्रोसीजर है जो आप बनाएंगे और मिनट में करीम तैयार हो जाएगी घर पे। ये जी मैंने बाउल में आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल वैसे ही है जो आपको बाजार में मिलती है करीम। ये देखिए सारी मैंने बाउल में डाल दी थी करीम, और ये देखिए बिल्कुल वैसी है करीम। बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कैसे बनी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।